हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुरक्षित होगा। और आज जो मैं बताने वाली हूँ कि हम अपने सफेद बालों को काला कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, मैं आज जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, स्टार्टिंग में बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को जो है कोई भी चीज का अगर लिंक अगर चाहिए होगा, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। उसका सारा जो है लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ जो एक दो टिप्स मैं जो है फॉलो करना चाहूंगी, आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी जो है बहुत ज्यादा पढ़ा है, देखा है और उसको मैंने जो है अपने ऊपर ट्राई भी किया कि बिल्कुल इफेक्ट रहा है। और जब भी आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करेंगे, अगर आपके पास कहीं से भी अगर आप लोग ले सके तो नीम का तेल जरूर ऐड कीजिए। आपके पास अगर कोकोनट ऑयल है, नारियल तेल है, कुछ भी, क्योंकि आपके अंदर जितने भी बालों की समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। नीम का तेल जो है आपको एक चम्मच उस पे तेल के अंदर ऐड करना होगा, जिससे कि आपके बालों के अंदर जो डैंड्रफ है, गंजापन है, व्हाइट हेयर जो बहुत जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी केमिकल आप लोग यूज करते हो, अगर आपकी कलरिंग हेयर है, स्मूथनिंग करवा रखी है, तो आप ये जरूर ऐड कीजिएगा कि अपने नारियल तेल के अंदर या किसी भी तेल के अंदर नीम का तेल जरूर ऐड कीजिए। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ये ऑनलाइन सर्च भी करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आपके नियर बाय शॉप पे भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरे टिप्स अच्छे लगते हो, किसी भी एंगल में आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज लाइक करके ही जाना, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ, और साथ के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर का, आप उसे प्रेस कर दीजिए, और एक छोटा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें जो पेस्ट बनाना होगा अपने सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, यहाँ पर मैं जो लेने वाली हूँ आंवला पाउडर, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप जो है नियर बाय अपने शॉप पे भी इसको जो है परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है ये। सबसे पहले मैं आंवला पाउडर लूँगी, 1 से 2 बड़े चम्मच लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाल जो है छोटे हैं तो इसकी क्वांटिटी मैं थोड़ी कम ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके कर्न जो है आंवला पाउडर के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बारीक नहीं है ये। और इसके साथ साथ मैं लेने वाली हूँ शिकाकाई, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 1 से 1.5 चम्मच हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हमारे बाल छोटे हैं इस वजह से। और साथ के साथ अब मैं लेने वाली हूँ रीठा पाउडर, ये भी मेरे पास इसी ब्रांड का है, आयुर्वेदिक कंपनी का है। आप देख सकते हैं रीठा का जो है कलर बहुत ही अच्छा कलर है। इन तीनों को पेस्ट को हमने लेना है। अब इनके साथ साथ हमें जो एक और ऐड करना है, यह कॉफ़ी पाउडर, जो हमारे बालों को जो अच्छा से कलर देगा, हमारे बालों को स्मूथ करेगा, जितना भी डैंड्रफ है वो सारा ख़त्म करेगा। और यहाँ पर जैसे काफ़ी लोग मेरे को कंप्लेंट करते हैं कि मैम हमारे पास काला कत्था नहीं है, तो हम काले कत्थे की जगह जो है हम यहाँ पर काले तिल भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, काले तिल के छोटे छोटे बीज है, आप इसका जो है एक पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच इसको आपको ऐड करना है। ये जो है नियर बाय आपके शॉप पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको जो अपने लिंक पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने जो है नॉर्मल वाटर इसमें ऐड किया है। अब हमें जो इसको 20 मिनट के बाद इसको लगाना होगा, क्योंकि इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम रखनी है हमें। और देखिए, ये धीरे धीरे जो है लोहे की कढ़ाई जो हमने यूज़ की थी वो अपना आयरन जो है छोड़ने लग गया है, काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसको जो है थोड़ी सी देर के लिए कवर कर दूँगी, और कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कलर कितना चेंज हो गया है। कवर करने के बाद आप देखेंगे 20 से 25 मिनट के बाद, ये कवर मैं हटाऊंगी, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक काला कलर हो चुका है। इसे हम जो इंस्टेंट हम लगा सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि रात भर आपको भिगाना पड़ेगा या मेहंदी इसके अंदर हमने ऐड की है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको जो लाइव डेमो दिखाने वाली हूँ, कैसे हम अपने बालों को चेंज कर सकते हैं, सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि मैं बालों पर जो है लगा के दिखाऊंगी आप लोगों के सामने। ये हमारा पेस्ट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए, ये जो मैंने पेस्ट है मैंने बना लिया था, और अब मेरे को काफ़ी देर हो गई। अब मैं इनको जो है वाइट हेयर्स पे लगा लूँगी इस पेस्ट को। एटलीस्ट हमें जो है 1 घंटे के लिए अपने बालों पे इसको लगा के रखना है। उसके बाद हम जो इसको नॉर्मल वाटर से, हर्बल शैम्पू से, किसी भी आप शैम्पू से इसको वॉश कर सकते हैं। और देखिए, इसका रिजल्ट आपके सामने भी होगा। ये बिल्कुल लाइव डेमो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये इनको जो है मैंने सभी वाइट हेयर्स पे आप लगा देंगे। और जेंट्स, अगर जैसे मेरे को काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैम हम इसको बियर्ड पे भी लगा सकते हैं, अपने दाढ़ी पे भी लगा सकते हैं, जी हाँ, आप इसको लगा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना इसके अंदर कोई भी केमिकल इसके अंदर ऐड है। और आप देखेंगे इसका रिजल्ट में जो है हेयर वॉश के बाद, वॉश हमने कर लिया है 1 घंटे के बाद, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये बाल जो है कितने काले हो चुके हैं। आपने बनाने का तरीका बहुत ईजी था, इसको जो है थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है लगाने के लिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं इंस्टेंट लगाया, फर्स्ट टाइम में सिर्फ 5 मिनट में लगाया, 5 मिनट में हमारे कलर हो गए बाल। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाल व्हाइट होने में तो जल्दी जल्दी हो जाता है, मगर कलर जो ब्लैक करना होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, सिर्फ वो एक जो केमिकल अगर आप लोग लगाते हो, डाई लगाते हो, वो तो आपके 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, मगर वो उतनी जल्दी जो है उतर भी जाता है, उतना ही हमारे लिए साइड इफेक्ट भी करता है। और केमिकल है तो इससे जल्दी जल्दी हमारे जो बाल झड़ना शुरू कर देता है और गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है।
और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की जो टिप्स और ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर। और कुछ भी आपको डीएम कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे, जो है इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पर दे दूँगी, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम की आईडी और साथ के साथ जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर।